श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के लीलाएं वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो है 10th कैंटो, उसमें वर्णन किया गया है। और 10th कैंटो में 90 चैप्टर है। और परीक्षित महाराज इस लीलाओं को सुनते हैं। तो जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है, 7वां दिन आपका मृत्यु होने वाला है तक्षक नाग का दंशन के द्वारा, तो परीक्षित महाराज विचार करते हैं कि ये 7 दिन मेरे पास है और ये 7 दिन में मुझे क्या करना है। तो जीवन का वास्तव जो एक्टिविटी है, वास्तव जो कार्य है मनुष्य जीवन का, क्या करना है, ये 7 दिन के भीतर में कर सकता हूं। और अंत में वो निर्णय लेते हैं कि ये 7 दिन मुझे भगवान कृष्ण के कथा का श्रवण करना है। हर मनुष्य के पास 7 दिन ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 7 डेज है। और परीक्षित महाराज को यहां पर श्राप मिला है मृत्यु का। यहां पर कोई है जिसको मृत्यु का श्राप नहीं मिला है? रेज योर हैंड। सबको मृत्यु का श्राप मिला है। हमें लग रहा था अभी तक हमें श्राप नहीं मिला है, लेकिन अभी पता चल गया कि श्राप मिला है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन सबसे बड़ा श्राप क्या है, कभी मृत्यु होगा वो पता नहीं, वो सबसे बड़ा श्राप है। तो परीक्षित महाराज को पता चल गया कि मृत्यु होने वाला है 7वां दिन। वास्तव में ये श्राप नहीं है, ये क्या है, वरदान है। क्योंकि उनको पता चल गया कि 7वां दिन उनका मृत्यु होने वाला है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को श्राप के रूप में नहीं लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को वरदान के रूप में लेते हैं। क्योंकि जब पता चलता है कि आपका मृत्यु 7वां दिन है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होते हैं। मान लो स्टूडेंट को पता नहीं है एग्जाम कभी होगा, स्टूडेंट को पता ही नहीं है एग्जाम कभी होगा, तो स्टूडेंट प्रिपेयर होगा, पढ़ाई ही नहीं करेगा। जब डेट आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करें, ऐसा होता है कि नहीं स्टूडेंट लाइफ? हाँ। इसीलिए डेट जानना एग्जाम का अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिपरेशन के लिए। डेट से आपका कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब आप डेट जानते हो, प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है। डेट नहीं है तो मोटिवेशन नहीं। इसीलिए जब मृत्यु का डेट परीक्षित महाराज को पता चल जाता है, तो प्रिपरेशन करते हैं कि 7 दिन में मुझे क्या करना है, IIT एग्जाम क्रैक करना है। ओके ना? तो एग्जाम सबसे बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम मृत्यु है, और सबसे बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है भवसागर को क्रैक करना, भवसागर से मुक्त होना। इसीलिए इस एग्जाम को डेट को जानना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षित महाराज को पता चला, इसलिए 7 दिन क्या करूं, अनेक प्रकार की सब्जेक्ट मैटर है सुनने के लिए, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल साइंस भी है, एरोनॉटिक्स साइंस भी है, बहुत सारा साइंस है, मुझे क्या स्टडी करना है ये 7 दिन। उन्होंने विचार किया, मुझे कृष्ण का साइंस स्टडी करना है, कृष्ण का लाइफ को स्टडी करना है।
और ये लाइफ से मैं क्या कर सकता हूं, ये भवसागर से पार हो सकता हूं। इसीलिए वो गंगा नदी के तट पर बैठते हैं और सुखदेव गोस्वामी यहां पर आते हैं परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। 9 कैंटो तक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और 9 कैंटो सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज के मन में विचार आता है कि मुझे अभी कृष्ण का कथा सुनना है। वो सुखदेव गोस्वामी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अनेक लीलाएं विस्तार के रूप में भगवान विष्णु के बताए, मुझे अभी भगवान कृष्ण के लीलाएं सुनना है, इसलिए आप मुझे सुनाएं। ये जो प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी भगवान का कृष्ण का लीला 10th कैंटो से स्टार्ट करते हैं। तो हर व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार की नेचुरल टेंडेंसी, एक महान व्यक्ति के प्रति आकर्षण, हर व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षित रहता है। जब वो व्यक्ति के पास कुछ महानता रहता है, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन जो है ये नेचुरल चीज है। जिसके पास अधिक धन है तो उसके प्रति हम अट्रैक्टेड, अधिक बल है उसके प्रति हम अट्रैक्टेड, अधिक ज्ञान है उसके प्रति हम अट्रैक्टेड, अधिक सौंदर्य है उसके प्रति हम अट्रैक्टेड। ये नेचुरल अट्रैक्शन हर व्यक्ति के पास रहता है। इसीलिए संसार में हर व्यक्ति जहां पर ब्यूटी है, वेल्थ है, पावर है, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस अट्रैक्शन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उस अट्रैक्शन में पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। उस अट्रैक्शन व्यक्ति को एजिटेशन में रखता है, तनाव में रखता है। पहले लोग अनपढ़ होते थे इसलिए गांव में रहते थे, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए तनाव में रहते हैं। पहले लोग अनपढ़ होते थे इसलिए गांव में, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए तनाव में। पहले लोग अनपढ़ थे इसलिए अंधेरे में रहते थे, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए लोग दूसरे को अंधेरे में रहते। इस प्रकार जनरली देखा गया है, अपना बुद्धि, पावर, पोजिशन यूज करके लोग तनाव में हैं और लोग अंधेरे में। लेकिन परीक्षित महाराज यहां पर विचार कर रहे हैं, अट्रैक्शन है तो किसके प्रति अट्रैक्शन है, वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है, कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो जिस प्रकार भूख एक नेचुरल टेंडेंसी है, पेन है, और उसको दूर करने के लिए भगवान ने आहार बनाया है। साइंटिस्ट ने आहार नहीं बनाया, साइंटिस्ट लोग आहार को विष बना दिए, बट भगवान ने आहार बनाया भूख को दूर करने के। तो भूख है पर उसके कारण आहार के प्रति लोग अट्रैक्टेड है। प्यास है इसलिए पानी के प्रति लोग अट्रैक्टेड है। तो ये नेचुरल ऑरिजिन है। तो ठीक है, उसी प्रकार मन का एक भूख है, एक महान व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना, ये मन का एक नेचर है। और इसको फुलफिलमेंट करने के लिए नेचुरली एक महान व्यक्ति है, तो सबसे महान है वो कौन है, भगवान। जो जानते नहीं है वो डुप्लीकेट अट्रैक्शन को ओर जाते हैं। जिसको ओरिजिनल चावल पता नहीं है तो चाइना में बना हुआ प्लास्टिक चावल खा लेते हैं, ओके ना, उससे क्या होता है, रोग होता है। जिसको ओरिजिनल मैंगो जूस के बारे में पता नहीं तो मैंगो फ्रूटी को ही ओरिजिनल मानता रहता है और पीते पीते डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर लेता है। जिसको ओरिजिनल रस के बारे में पता नहीं वो जनरली क्या है, अल्कोहल ले लेता है अपना तनाव को दूर करने के।
वैसे ही संसार में जो व्यक्ति जानता नहीं कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है और उनके प्रति समर्पित आकर्षित होना होने से पूर्ण सैटिस्फेक्शन मिलता है और मुक्ति मिलता है, वो व्यक्ति संसार का अट्रैक्शन प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए ये नेचुरल टेंडेंसी को दूर करने के लिए हमें भगवान प्रति आकर्षित होना है और भगवान के प्रति आकर्षित होने के लिए भगवान की कथा भी सुनना है, क्योंकि पता नहीं है ना किसके प्रति आकर्षित होना है। इसलिए पहले हम कृष्ण का कथा जब सुनते हैं, कृष्ण को समझते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और ये आकर्षण हमारे जीवन के लिए सैटिस्फेक्शन का कारण भी बनता है और मुक्ति का कारण भी बनता है। मटेरियल अट्रैक्शन इज लाइक पेन किलर बट नॉट प्लेजर गिवर। किसको पेट में दर्द है, पेन किलर खा लिया तो उसको क्या लगता है, अच्छा हो गया, ठीक हो गया। एग्जैक्टली वो प्लेजर गिवर है, पेन किलर है, पर वास्तव में वो सुख नहीं। सुख के लिए आपको क्या खाना है, आहार लेना है। वैसे संसार में जो भी एंजॉयमेंट है वो पेन किलर जैसे कार्य करते हैं। पेन किलर है, एट द एंड किलर बन जाता है, पेन किलर ही नहीं रहता है, एट द एंड क्या बन जाता है, किलर बन जाता है, मार देता है। इसीलिए मटेरियल अट्रैक्शन एंजॉयमेंट के प्रति हमें आकर्षित नहीं होता है, बट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा इज पेन किलर एज वेल एज प्लेजर गिवर। पेन को भी दूर करता है और आनंद भी प्रदान करता है। इसलिए हम भगवान के प्रति आकर्षित होना है, उनका गुणगान हमें करना है। तो परीक्षित महाराज 10th कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 4 में कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोले, निब्रोत तरसई उपगीयमाना हवाओ सधा श्रुत मनाभिरामान। कौत्तम श्लोक गुणानुवादान् विरजते विना पशुघ्नान्। तो बहुत सुंदर वर्ष है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, निब्रोत तरसे उपगीयमाना कि भगवान कृष्ण का जब कोई लीला सुनता है, भौतिक भोग के प्रति जो तृष्णा है वो दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति भौतिक वस्तु के प्रति, भौतिक भोग के प्रति जो तृष्णा है जिसका दूर हो गया है, वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट है, आसक्त है। और ये भगवान की कथा जो है भव औषधा, ये एक औषधि जैसे कार्य करता है। कैसे, हम डिटेल्स में देखेंगे। श्रोता मन अभिरमात, ये जो सुनते हैं मन के लिए एक आनंद दायक होता है। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का गुण का श्रवण करने से मन को आनंद मिलता है, एक औषधि जैसे है, और अंदर में जो लस्ट है, वासना है, वो भी नष्ट होता है। पुमान विरजते विना पशुघ्ना, जो व्यक्ति मीट ईटर है, पापी है, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन जो पुण्य आत्मा है वो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की इंटरेस्ट रखता है। तो संसार, ये संसार मृत्यु जो है जंक्शन पॉइंट है, मृत्यु लोक, और यहां पर जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका इंटरेस्ट अधिक है। स्वर्ग में मान लो कोई पुण्य कार्य करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट 1% है, लेकिन वही पुण्य कार्य धरती में करेगा तो 100% है। पाताल में करेंगे तो 20% मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा धरती पे रहते थे,
बोले महाराज स्वर्ग को जीते, लेकिन धरती पे उन्होंने यज्ञ किया। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसमें तो इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन पुण्य कार्य करने के लिए हमारे इंटरेस्ट कम है। ये जनरल क्या है, प्रॉब्लम। इसलिए धरती पे आकर हमें क्या करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। और पुण्य कर्म करते हैं तो भगवान कृष्ण के कथा सुनने में इंटरेस्ट आता है, और भगवान का कथा सुनने में जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो वास्तव में हम क्या पाते हैं, ओरिजिनल जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, वो वैकुंठ धाम को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट दें और इंटरेस्ट आपको मिलेगा। पर जो पापी है वसुपनाथ मेडिटर से, वो लोग जनरल क्या है, इंटरेस्टेड नहीं। तो आज हम देखेंगे 8 बेनिफिट ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा और 8 बेनिफिट ऑफ भक्ति, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वर्ष में जो आप देखा है ये 3 बेनिफिट बताता है। पहला बेनिफिट है कि निवृत्त तरसे उपगीयमाना, जब भगवान की कथा हम सुनते हैं निवृत्त होते तरसे मतलब तृष्णा, और सबसे बड़ा तृष्णा क्या है संसार में, भोग, एंजॉयमेंट, लस्ट, ये जनरली सबसे बड़ा तृष्णा है। सेक्सुअल डिजायर ये सबसे बड़ा तृष्णा आज के संसार में। पूरा कलयुग में आप देखेंगे हर व्यक्ति ये लस्ट के कारण जनरल विचलित होते हैं और लस्ट के कारण पीड़ा में रहते हैं। और इसको हमारा शास्त्र क्या कहता है, अग्नि कहता है, कामाग्नि कहता है, काम ताप कहता है। कहां पर काम जल नहीं बताया गया है, काम अग्नि बताया गया है। ये ताप है, माइंड को गर्म करता है और इसके कारण लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए कलयुग में आप देखेंगे उसका, आप कलयुग में स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, मार्केट प्लेस में जाइए, कोई थिएटर में जाइए, हर जगह पे जनरली लस्ट का एडवर्टाइज होता है। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं तब क्या होता है, ये लस्ट से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। निवृत्त तरह से उपगीयमाना, एलिमिनेशन ऑफ लस्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ लॉ हैपेंस। कब होता है, जब जनरली हम भगवान की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं। इसलिए कृष्ण कथा अत्यंत आवश्यकता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो जनरली खिलौने के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके लिए टॉय डॉल्स बहुत अट्रैक्टिव। लेकिन बड़े बच्चे को टॉय देगा, डॉल देगा, इंटरेस्टेड होते क्यों नहीं, हम तो सेम ना। छोटे बच्चे तो टॉय नहीं मिलता था तो रोते थे, डॉल्स नहीं मिलता तो रोते थे, लेकिन बड़े होने के बाद टॉय के लिए रोते, डॉल्स के लिए रोते। कोई रोएगा, मान लो वेदर से रो रहा है, मम्मी आके दे ले टॉय ले ले डॉल्स ले, जोर से रोएगा। एक ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जो अज्ञान में रहते हैं उनके लिए टॉयस एंड डॉल्स आनंददायक है, उसमें मजा आता है, अज्ञान में खिलौना में मजा आता है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, खिलौना में मजा आता है, अज्ञान में डुप्लीकेट चीज में मजा आता है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है ओरिजिनल चीज चाहिए, लेकिन नहीं, अभी टॉय के प्रति आकर्षण नहीं होता है, अभी बॉय के प्रति आकर्षण होता है, अभी डॉल्स के प्रति आकर्षण नहीं होता है, अभी गर्ल्स के प्रति आकर्षण होता है। कहने का अर्थ है अभी जो अट्रैक्शन है शरीर के प्रति होता है,
ये भी अज्ञान है, ये भी ज्ञान नहीं है। तो बालक अवस्था में कुछ अज्ञान में थे, अभी जवानी में और एक अज्ञान है, इस शरीर के प्रति आकर्षित है। ये भी भगवान के द्वारा बनाया गया टॉय है, खिलौना है। देखिए जो ज्ञानी व्यक्ति है ओरिजिनल चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, दैट इज क्या है, भगवान कृष्ण। कृष्ण के साथ खेलने की इच्छा करना चाहिए, इधर डिस्को में जाके डांस करने की इच्छा नहीं करना चाहिए, वही कुंड में जाकर डांस करने की इच्छा करना चाहिए। दैट इज एक्चुअली क्या है, ओरिजिनल भगवान के साथ डांस करना है। बॉल डांस करने की इच्छा है ना, तो भगवान के साथ जाके बॉल डांस करो। ओके ना, इस संसार में क्या डांस करना है, खिलौना है। और खिलौना जनरल खिलौना के साथ बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में हर रिलेशनशिप जो है फ्रस्ट्रेट, जो रिलेशनशिप लस्ट के आधार पर रहता है वो एंड्स विद फ्रस्ट्रेशन, इसलिए डुप्लीकेट रिलेशनशिप। लेकिन भगवान की कथा, कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं, पहला फायदा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ लस्ट, वासना दूर होता है और काम के प्रति हमारा आकर्षण कम होता है और राम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। इसीलिए हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, कृष्ण कथा सुनने का लाभ क्या है, एलिमिनेशन ऑफ लस्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ लव, वास्तव में प्रेम क्या होता है पता चलता है। तो इस प्रकार कहा जाता है जो प्रेम है, जवानी में प्रेम होता नहीं, वास्तव में आप प्रेमी है 70 साल के बाद भी आपका रिलेशनशिप है, 70 साल के बाद भी हस्बैंड वाइफ का केयर करता है, वाइफ हस्बैंड का केयर करता है, वो प्रेम है। 20-30 साल में जो दिखता है वो प्रेम नहीं, इसलिए प्रेम 70 साल में पैदा होता है और बाकी पहले जो एक्टिविटी चलता रहता है वो वास्तव में क्या है, लस्ट प्लेटफॉर्म है। इसलिए लेकिन जो कृष्ण कथा हम सुनते हैं व्यक्ति को वास्तव में नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज से हम वास्तव में प्रेम और काम क्या है डिफाइन कर पाते हैं और उससे मुक्त होने के हम प्रयास करते हैं। तो पहला लाभ क्या है, एलिमिनेशन ऑफ लस्ट, काम से मुक्ति। सेकेंड है, तो पहला निवृत्त तरसे, सेकेंड भव औषधा। भव औषधा मतलब क्या है, भव रोग से कृष्ण कथा दूर करता है। भव रोग मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बड़ा सबसे बड़ा रोग है। तो सेकेंड लाभ मेडिकेशन, तो पहला एलिमिनेशन ऑफ लस्ट, सेकेंड है मेडिकेशन, मेडिसिन फॉर भव रोग, और ये भी अत्यंत आवश्यक है। परीक्षित महाराज क्यों सुन रहे हैं यहां पर कथा, किससे मुक्त होने के लिए, हेडेक से, बॉडी पेन से, पेट में दर्द हो रहा है, किस लिए, कैंसर हो गया, किससे मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब तक ये शरीर है तब तक बॉडी पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, बैक पेन होगा, नी पेन होगा, आंख में दर्द होगा, नाक में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, जब तक ये शरीर रहेगा। आपने MBBS किया, MD भी बन गए, ट्रीटमेंट किए, नेक्स्ट टाइम फिर से बड़ी मिली, बड़ी मतलब पेन, बड़ी का दूसरा नाम क्या है, पेन। शरीर नहीं है ये, क्या है, पेन, सोर्स ऑफ पेन। इसलिए जब तक शरीर है तब तक पेन है, इसलिए कभी भूल से भी मत सोचना कि हम लोग शरीर में है, हम शरीर में नहीं है, हम किस में है, पेन में है, ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पेन है,
देखिए परीक्षित महाराज, जिस परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने मां के गर्भ में बचाए, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जब थे, अश्वस्तमा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और उत्तरा देवी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाव। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और विष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में चक्र लेके गर्भ को रक्षा करते हैं, और उनका स्वरूप वर्णन आता है कि अंगुष्ठ समान, वृद्धा उंगली जैसे उनका हाइट है, रूप है, और उसमें घूम रहे हैं। परीक्षित महाराज देख रहे हैं, ये परीक्षित है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन कहां में हुआ है, मां के गर्भ में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, जिसका शरीर को भगवान कृष्ण स्वयं बचाए हैं मां के गर्भ में, लेकिन अभी मृत्यु का श्राप मिला है, कृष्ण बचाने के लिए आए नहीं, चक्र भेजे नहीं। परीक्षित महाराज ये भी नहीं सोचे, मेरा तो बचाव भगवान कृष्ण गर्व में करते थे, किए हैं, अभी भी बचाने के लिए आएंगे, ऐसा सोचे नहीं, तक्षक को काट दे, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से बचा लिए, तो ये तक्षक क्या है, फिर ये तो सांप है, देखिए ना पानी में रहने वाला एक सांप है, स्नेक है, इसको मारने की भी क्या चाहिए, कितना कुछ प्रॉब्लम नहीं है भगवान के। लेकिन भगवान परीक्षित महाराज क्या करते हैं, भागवतम सुनने के लिए बैठते, कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठते। तो कृष्ण का चक्र शरीर को बचा सकता है, पर कृष्ण का कथा आत्मा को बचा सकता है, इसीलिए कृष्ण का कथा कृष्ण का चक्र से पावरफुल है, क्योंकि शरीर को बचाएंगे ठीक है, लेकिन शरीर को बचा के क्या किया, संसार में पैदा हो गया, पैदा मतलब क्या है, पेन, संसार का संघर्ष में हम लोग आ गए, असली बचाव है, मुझे बचा लिया तुमने, और बचाने के बाद पेन ही पेन, वास्तव में बचना मतलब क्या है, पेन से बचना है, ये वास्तव में बचाव है, बचा के पेन में डाल दिया, हॉस्पिटल से निकाल के गटर में डाल दिया, वो वास्तव में बचाव है, ठीक है, गर्भ से निकाला मृत्यु लोक में डाल दिया, वास्तव में बचाव है नहीं, वास्तव में बचाव क्या, मृत्यु लोकों से निकालकर वैकुंठ में डालना, वो वास्तव में क्या है, बचाव है। रो कार्य कौन करता है, कृष्ण कथा श्रवण से होता है, भगवान की कथा जब हम श्रवण सुन करते हैं तब हमारा क्या होता है, इस संसार से मृत्यु पेनफुल वर्ल्ड से मुक्त होकर पीसफुल वर्ल्ड में जाते हैं, इसलिए वास्तव में जो मुक्ति का अस्त्र है भगवान की कथा है, भगवान की सुदर्शन चक्र नहीं है, भगवान का दर्शन है, कृष्ण का दर्शन है, इसलिए सुदर्शन वास्तव में बचाता नहीं है, भगवान का दर्शन वास्तव में बचाता है, इसलिए प्रतिदिन हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज 7 दिन तक ये मेडिसिन दिए, 24 आवर कंटिन्यूसली ये मेडिसिन ले रहे, भव ओ सदा कृष्ण का कथा सुन, इसलिए 7 दिन तो 24 आवर लिए, हमें 7 दिन में तो एक बार लेना चाहिए, ओके ना, ये अत्यंत आवश्यकता है, हमें 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहना अत्यंत आवश्यक। थर्ड पॉइंट है इलेश मन अभिरामात, पहला क्या है एलिमिनेशन, सेकंड मेडिकेशन, थर्ड इलेश, इलेशन मतलब मजा, एक्सटेसी, मन अभिरामात आनंद मिलता है, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं जनरली क्या है एक प्रकार के आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होता है, इसलिए भगवान का कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है। तो
The material enjoyment gives less pleasure, but it has its end. But spiritual enjoyment gives endless pleasure. The material enjoyment gives less pleasure, but it has its end. But spiritual enjoyment gives endless pleasure. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, जो कि हम उससे जो प्लेजर है उसका अनुभव कर सकते हैं। और प्लेजर कभी कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है, हमारा इंप्योरिटीज। ओके, कभी कभी आपको पनीर का सब्जी भी अच्छा नहीं लगता है, जब आपका जीभ में कुछ प्रॉब्लम होता है। पनीर आपका सबसे अच्छा डिश है, लेकिन उस डिश में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, जो बुखार होता है। तो बॉडी जब इम्प्योर रहता है, प्योर चीज भी आनंद नहीं दे पाता है। तो ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग में ऐसे हो सकता है कि भगवान कथा सुनने में थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन ये कथा जब कंटिन्यूसली हम सुनते हैं, हमें क्या मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कथा नित्य निरंतर सुनना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन। तो वर्स नंबर 5 और 7 में परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में इसको, टेकिंग द बोट ऑफ कृष्णास लोटस फीट माई ग्रैंड फादर अर्जुन एंड अदर क्रॉस द ओशन ऑफ द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। आपका चरण कमल को, चरण कमल का आश्रय लेकर मेरे पितामह अर्जुन और पांडव जो थे वो बच गए इस संसार से। इन विच सच कमांडर्स एज भीष्म देव रिजेंबल ग्रेट फिश दैट वुड वेरी इजीली हैव स्वॉलोड देम। और उस सागर में जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, सबसे बड़ा मगरमच्छ है भीष्म देव, जो कि पांडवों को निगलने वाले थे, लेकिन आपके कृपा से वो बच गए। By the mercy of Lord Krishna, my grandfather crossed this ocean, which was very difficult to cross, as easily as one steps over the footprints of all calf, of a calf. और मेरे जो पितामह अर्जुन और पांडव इस संसार से आए, इसी तरह पार कर दिए, जैसे कि एक बछड़ा का पांव के इंप्रेशन से जितना पानी रहता है, उतना पानी जैसे सागर को पार करते हैं। तो कोई बछड़ा का पांव में पानी गिर रहा है, उसको पार करने में कुछ कष्ट होता है, बोट मंगाता है, अरे घर पे नहीं जा पाएगा, इसमें पानी जम गया है, नहीं, आराम से क्रॉस कर देता है। तो वैसे ही पांडव ने संसार को क्रॉस किया, युद्ध को इस प्रकार जीत लिया। Because my mother surrendered onto Lord Krishna lotus feet, the Lord Sudarshan Chakra in hand entered her womb and saved my body, the body of the last remaining descendant of the Guru. तो मुझे भी भगवान कृष्ण ने बचाए थे अपना सुदर्शन चक्र से। Appearing within and outside all material embodied living beings by his own potency in the forms of eternal time, that is as Paramatma, as Virato, gave liberation to everyone. तो भगवान का उपस्थित संसार में मुक्ति के लिए इस प्रकार जनरल क्या कहते हैं, बता रहे। तो कहने का अर्थ है प्रोटेक्शन। तो भगवान की कथा जब हम सुनते हैं और भक्ति जब हम करते हैं, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो पांडवों को प्रोटेक्शन की सोचिए, महाभारत युद्ध 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी पांडव, 11 अक्षौणी कौरव का, और पांडव का क्या है, 7 अक्षौणी, और नारायण सेना भी मांग के लेके चला गया, कौन, दुर्योधन। और भगवान अर्जुन को क्या मिला, कृष्ण ही मिला। तो दुर्योधन अपने आप को सोच रहा था कि मेरे पास जनरली नारायण सेना है, लेकिन नारायण किसके पार्टी, किसके पक्ष में, कृष्ण के पक्ष में। आपको कहा जाए कि 10 एकड़ जमीन चाहिए या 10 एकड़ में उत्पन्न हुआ धान चाहिए, तब क्या लेंगे,
दस एकड़ में उत्पन्न हुआ 20 एकड़ धान चाहिए या 10 एकड़ जमीन चाहिए? जो बुद्धिमान है वो जमीन चाहिए उसको, जो मूर्ख हो वो धान लेके चला जाए। जो मूर्ख है उसको रिसोर्स चाहिए और जो बुद्धिमान है उसको क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। तो दुर्योधन रिसोर्स को लेके गए, बट अर्जुन किसको लेके गया? सोर्स को लेके। सोर्स रहेगा तो रिसोर्स अपने आप मिलेगा। कृष्ण रहेंगे तो हजार नारायण सेना बन सकते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हमें सोर्स के पास जाना चाहिए, रिसोर्स के पास नहीं। तो जनरल हम चाहते हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे संसार का रिसोर्स, मेरे एजुकेशन से, पावर से, पोजीशन से, रिलेशनशिप से हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप है मेरे पास, पुलिस मेरा, आईपीएस ऑफिसर मेरा जानकारी में, मेरा फ्रेंड है, देखिए बचा लेगा मुझे, प्रेसिडेंट के साथ मेरा कनेक्शन है, बाद में पता चलता है प्रेसिडेंट ही तुमको जेल में डाल दे। इस प्रकार संसार में देखा जाता है। इसलिए प्रोटेक्शन, रियल प्रोटेक्शन कहां पे मिलता है? कृष्ण में मिलता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को चॉइस किया, चूज किया, मतलब क्या हुआ? वहां पे भी उसका विजय हो गया, बाकी सब जो डिटेल है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहला चांस दी, चॉइस। दुर्योधन अर्जुन दोनों पहुंचे भगवान स्वयं, और दुर्योधन पहले आया सर के पास जाके बैठा, अर्जुन बाद में आया पैर के पास जाके बैठा। जो हम कर रहे थे सर के ऊपर बैठते, और जो नम्र रहते हैं शरण में बैठते। और भगवान उठे तो किसको देखे? जो चरण में बैठेगा उसको देखे, सर के ऊपर बैठेगा दिखेगा कितना, है कि नहीं? अहंकारी व्यक्ति को भगवान कृष्ण देखते नहीं, नम्र व्यक्ति को कृष्ण क्या करते हैं? देखते हैं। नम्र व्यक्ति के पास चॉइस भगवान देते हैं, अहंकार व्यक्ति के पास चॉइस ही नहीं, जरूरत नहीं उसको चॉइस, क्योंकि वो ऐसा मांगेगा जो कि मटेरियल है। इसलिए अर्जुन को पहला चॉइस क्या चाहिए? दुर्योधन आया है उसको भी देना है, तो नारायण सेना और नारायण चूज कर। तो अर्जुन क्या चूज करता है? नारायण चूज करता है, और वहां पर ही अर्जुन युद्ध को जीत लेता है। इसलिए जीवन में हमें किसको चूज करना है? नारायण को चूज करना है, रिसोर्स को चूज नहीं करना है। किसको चूज करना है? सोर्स को चूज करना है, दैट इज रियल प्रोटेक्शन। तो फोर्थ इज प्रोटेक्शन, फिफ्थ इज ऑब्जर्वेशन। वर्ष नंबर 13 में परिचित महाराज कहे थे, न एषः क्षितमा तिक्त्वा उदम अपि बाधते पिबतं त्वं मुखं भोज च्युतं हरि कथामृतम्। तो वर्ष नंबर 13 में कहते हैं, न एष अति दुस्सह क्षितमा, मैं आपसे कथा सुन रहा हूं, कृष्ण कथा सुन रहा हूं, सुनते सुनते अनेक दिन हो गया, 10th कैंटो मतलब लगभग 4-5 दिन हो गया रे। वो कहते हैं मुझे भूख क्या है पता ही नहीं चल रहा है, भूख मुझे लगता ही नहीं, प्यास मुझे लगता ही नहीं, भूख प्यास क्या होता है उसको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? पिबंतम त्वं मुखाम्बोजं च्युतं हरि कथामृतम्, क्योंकि आपका मुख मुखारविंद से मैं हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे भूख और प्यास का पता नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? परीक्षित महाराज, जिसको प्यास के कारण श्राप मिला, वन में घूम रहे थे, प्यास लगा, समीक ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगे, नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, एक मुर्दा सर्प को उनके गले में डाल दी, उनका बेटा को जो पता चला श्रृंगी को श्राप दिया, इस जो व्यक्ति ने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है उस आज से 7वां दिन में उसका मृत्यु। प्यास के कारण
छोटा सा गलती हो गई, अभी उनको क्या है प्यास पता ही नहीं चलता है, भूख पता ही नहीं चलता है। तो यह कृष्ण कथा का पावर एब्जर्वेशन। तो फिफ्थ लेसन, फिफ्थ बेनिफिट एब्जर्वेशन। एब्जर्वेशन से क्या होता है, वी गो बियॉन्ड पेनफुल सेंसेशन। इस संसार का जो दुख है उससे इम्यून होने के लिए, उसका अनुभव न करने के लिए भगवान के कथा में जनरली आपको क्या है लीन हो जाना है, डूब जाना है, तब ये संसार का पेन अनुभव आप नहीं करेंगे। भूख लग रहा है ना, चार दिन हो गया तो भूख लग रहा रहेगा, प्यास तो लग रहा है, फिर भी क्या बोल रहे हैं अनुभव नहीं हो रहा है। तो कृष्ण कथा एनेस्थीसिया जैसे काम करता है, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं ना ऑपरेशन करते थे तो काटते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है, लेकिन एनेस्थीसिया प्रॉपर लेना पड़ेगा, प्रॉपर डोज होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएगा कम हो जाएगा और काट लिया तो रोएगा। तो वैसे ही भगवान की कथा जब हम सुनते हैं एब्जॉर्ब रहना चाहिए, प्रतल्लीन हो जाना चाहिए, लिप्त हो जाना चाहिए। तो बाह्य जो पेन है, संसार का जो दुख है, उससे जनरली हम क्या हो सकते हैं बच सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कार्य है। संसार का पेन को दूर करने के लिए लोग क्या लेते हैं, दारू पीते, ड्रग्स भी लेते हैं। तो आजकल भारत में भी ड्रग्स ले रहे हैं और अल्कोहल का जो मात्रा है अधिक बढ़ रहा है, वेस्ट में तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये ड्रग्स और अल्कोहल से दुख दूर नहीं होता है, दुख को लोग क्या है भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। पर वास्तव में जो मेडिसिन है भगवान का कथा में लीन हो जाता है, तो ये भी आपका दुख को भुला देता है। तो प्रभुपाद जी को एक जन ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका इस्कॉन सोसाइटी के लिए क्या करता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोसाइटी में लोग पेन में हैं इंटॉक्सिकेशन के लिए, इलिसिट रिलेशनशिप के लिए, और इस्कॉन क्या करता है कृष्ण का मैसेज से संसार में इंटॉक्सिकेशन इलिसिट रिलेशनशिप को बंद करता है। क्या ये सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये सबसे बड़ा सोशल एक्टिविटी। अमेरिका, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट स्पेंड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू स्टॉप इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट रिलेशनशिप एंड ड्रग्स ऑल दीज थिंग्स, लेकिन हम हरे कृष्णा महामंत्र प्रचार करके उसको बंद ही कर दें। ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है क्या, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट हमें थाउजेंड थाउजेंड ऑफ डॉलर देना चाहिए, हम तो ये फ्री में कर रहे। तो वास्तव में सोशल एक्टिविटी। तो अभी भी लाखों लाख यूथ को इसका बचा रहा है भगवान की कृष्ण की कथा सुनाकर। ये कृष्ण का महिमा है, ये कृष्ण का पावर है कि कृष्ण में संस्कार है, और कृष्ण के कथा जब हम सुनते हैं वो संस्कार हमें मिलता है। पहला गाली में कृष्ण शिशुपाल को, शिशुपाल का सर को काट सकते थे, पहला गाली में शिशुपाल का सर को काट सकते थे, लेकिन 100 गाली खाने के बाद भी 100 गाली तक वो सहन किए, इसलिए वो कृष्ण है सर्व आकर्षक। द्वारका का वैभव उनके पास है फिर भी सुदामा उनका मित्र है, इसलिए वो कृष्ण है। अपना शक्ति से अमरत्व का वरदान वो दे सकते हैं, फिर भी गांधारी के श्राप के कारण अपना वंश को ही मरवा दी, इसलिए वो कृष्ण है। उनके पास इतना शक्ति है जो कि बद्ध जीव को संसार से मुक्त करवा सकता है, फिर भी वासुदेव और देवकी को मुक्ति करने के लिए 11 साल लगा दिए, इसलिए वो कृष्ण है।
तो ये कृष्ण का संस्कार है। और भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो संस्कार प्राप्त होता है, और उस संस्कार के कारण ये संसार का जो पेन है उससे हम क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं उसको। इतना बाधा, इतना बड़ा बाधा करके हम लेते हैं। ये कृष्ण कथा सुनने का एक लाभ है, एब्जर्वेशन, यू गो बियॉन्ड पेनफुल सेंसेस। तो एब्जर्वेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ मटेरियल सेंसेशन ऑफ पेन एंड प्लेजर। भौतिक सुख और दुख से हम परे जाते हैं। छठा, तो वर्स नंबर 14 में सुध गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वयासागी स भगवान अतः विष्णुरात प्रत्यार्चह कृष्ण चरितं कलि कल्मषघ्नं प्यारं आरभ भागवत प्रधान। तो सल्यूशन फॉर मटेरियल प्रॉब्लम, तो इसका डिटेल्स में आपको बताया कि जो जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, तो सोसाइटी जनरली आजकल क्या है, प्रॉब्लम में। और आजकल साइंटिस्ट लोग, पॉलिटिशियन सोच रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट सॉल्व होता है बड़े बड़े मीटिंग होता है, लेकिन मीटिंग करने के लिए लोग कैसे आते हैं, कार में आते हैं, कोई फ्लाइट में उड़ के आता है, पॉल्यूशन करके आते हैं, पॉल्यूशन को बंद करते हैं, मीटिंग करने ही बंद कर दो, एटलीस्ट उतना तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन नहीं है ये, इसलिए कलि कल्मषघ्नं, भगवान की कथा जब सुनते हैं एक सरल जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और कृष्ण बलराम उसका क्या है, जीता जागता एग्जाम्पल है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं, और बलराम जी क्या है, हल लेके घूम रहे हैं। तो बलराम का जो हल है, हर प्रॉब्लम का हल है वो, ओके ना, इसलिए हल लेके घूमते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम इस संसार को बता रहे हैं कि जो कृषि बेस्ड सोसाइटी है, जो सोसाइटी की एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, वो सोसाइटी क्या है, प्रॉब्लम से दूर है। लेकिन एग्रीकल्चर के प्रति कोई सोसाइटी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सोसाइटी में कल्चर ही नहीं रहे। एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट एग्रीकल्चर बट नो वन इज एग्री फॉर एग्रीकल्चर। कोई ऐसा जीवन का लक्ष्य बताया, बनाया आज तक, जीवन में मुझे फार्मर बनना है, मेरा ये जीवन का लक्ष्य है, नहीं नहीं बड़े बड़े फार्म ओपन करते हैं, ओके ना, फैक्ट्री ओपन करते हैं, फार्मर नहीं बनना है। इसीलिए वैकुंठ जाना चाहते हैं ना, गोलोक जाएंगे तो क्या मिलेगा, खेती में काम करना पड़ेगा, ओके ना, गाय का दोहन करना पड़ेगा, उधर लैपटॉप लेके घूमने नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड ना, गाय चराने के लिए जाना पड़ेगा, कौन कौन चाहते हैं, कृष्ण मेरा मित्र है तो गाय चराने जाना पड़ेगा प्रभु, ओके कि नहीं, गोपी बनना चाहते हैं कोई कोई तो दूध बेचना पड़ेगा, दही भी बेचना पड़ेगा, चलेगा मटका लेके, मान लो आप लोग मटका लेके अभी कहा जाएगा दूध दही बेचने के लिए जाओ, कौन कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ है, जब एक सरल जीवन हम जीते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब एक कॉम्प्लिकेटेड जीवन हम जीते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली मॉडर्न एज। पहले लैपटॉप नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं था। आजकल इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप है, सबसे बड़ा क्या है, बड़े बड़े प्रॉब्लम है। पहले लोग गाय बैल के साथ जीते, सुखी थे,
साथ साथ रहते थे, आज क्या है साथ साथ नहीं रह पाते। हम साथ साथ देखते हैं लेकिन साथ नहीं रह पाते। इसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर है उससे हम दूर हो गए। नो वन इज इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर एंड कल्चर ऑल्सो, ये दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आजकल सिचुएशन। बट भगवान कृष्ण की कथा हम जब सुनते हैं कल्चर में भी इंटरेस्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट पड़ता है। एक फोटो कहां से दिख रहा है, तो विदेशी लड़कियां सारी पहन के तिलक लगा के जा रहे हैं और उसके साइड में दूसरा फोटो है, क्या वो लेके आया नहीं अपना प्रोजेक्टर, और उसमें जो भारतीय लड़कियां जींस ऐसा पहने हैं पूरा फटा हुआ है वो जा रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि एग्जैक्टली क्या है, दिस इज अमेरिका एंड दिस इज इंडिया। इस प्रकार वहां पे लिखा गया। तो ये जनरली प्रॉब्लम है, कली कलमस एकदम पाप पूर्ति बढ़ रहा है। तो रिसेंटली एक लड़का है जो कि हमारे हरे कृष्णा बने खड़े चैंटिंग कर रहा है, लेकिन उसका फैमिली में प्रॉब्लम है, उसका बहन का शादी हो गया और बहन पति के साथ रहने की इंटरेस्ट नहीं। उसका कारण क्या है कि उसको लड़के अच्छे नहीं लगते, लड़कियां अच्छे लगते। आश्चर्य लगा मुझे, उसके घर पे मैं गया था समझाने के लिए, क्योंकि वो डिवोर्स में डिवोर्स केस डिवोर्स हो गया ऑलरेडी, हुआ नहीं प्रोसेस चालू, लड़का नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका डिटेल सब देख लिया अपना जो कि सोशल मीडिया में। तो आजकल ये सिचुएशन कली कलमस है, इसीलिए भगवान की कथा जब हम सुनते हैं कली कलमस से बचते हैं। आपको लग रहा है मैं इधर आके बैठ रहा हूं, आप इधर बैठ नहीं रहे, इस प्रकार बड़े बड़े प्रॉब्लम ही बच रहे हैं। बोले प्रभु जी ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, मतलब यही प्रॉब्लम है क्योंकि हम भगवान की कथा कभी सुने ही नहीं। बच्चों मैं उसको पूछा तुम भविष्य में क्या करने वाले, गृहस्थ बनने वाले या ब्राह्मण, मुझे गृहस्थ बनना है। तुम्हारा बहन का हालत ऐसा है, तुम्हारा बेटी बेटा पैदा होगा तो क्या होगा फिर, अभी तो हालत ऐसा है 15-20 साल के बाद क्या हो ना प्रभु जी, फिर मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूं। तो हमें कल्चर देना है, बेटा बेटी को घर पे बिठा के सुनाना है, ये माँ बाप का पहला कर्तव्य है। जैसे मार पीट के स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, वैसे मार पीट के घर पे बिठा के ये सब सुनाना है, नहीं तो बाद में वो आपको सुने। पिता माता रो रहे, अच्छा कल्चर डॉक्टर का फैमिली हो बटा भी उनका हालत खराब, सब सपना चूर मार हो गए। इसलिए सल्यूशन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है आजकल का जो दिख रहा है, तो सल्यूशन भगवान की कथा सुनने से मिलता है। 7 पॉइंट सेटिस्फेक्शन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये प्रश्न सुनकर, जब परीक्षित महाराज पूछते हैं मुझे कृष्ण का कथा सुनाए, परीक्षित महाराज पूछते हैं भगवान कृष्ण ने कंस को क्यों मारा, उनका तो मामा थे, ये मामा को मार देना ये तो साधारण नहीं होगा, इसलिए मामा को कैसे मार दी थोड़ा बताइए। और अपना कंस ने अपने बहन को ही जेल में डाल दिया, ये थोड़ा अलग ही लग रहा है, इसका कारण मुझे बताइए। इस प्रकार वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब सुन के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सम्यग्वेवसिता बुद्धिः तव राजसि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यत जात नैष्ठिकीरति। वो कहते हैं ओ योर मैजेस्टी बेस्ट ऑफ ऑल सेंटली किंग, बिकॉज यू आर ग्रेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टॉपिक्स ऑफ वासुदेव, वी सर्टेन दैट योर इंटेलिजेंस इज फॉर्म फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग which is the only true goal for humanity, because that attraction is unceasing, it is certainly sublime. Okay, then Balkit Maharaj ke daab ka bhakti Krishna mein fixed ho gaya hai, ye bahut bada baat hai, aur jiska bhakti Krishna mein fixed ho gaya hai wo vyakti sansar mein kya hai,
आनंद में रहता है, खुशी में रहता है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का एक प्रकार की स्पेशल सिम्टम है, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ हियरिंग कृष्णस ग्लोरिफिकेशन। आप जब कृष्ण कथा सुनते हैं एक परम संतोष प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम आहार ग्रहण करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, ब्लड, उसका रिजल्ट क्या है, मांस बनता है, हड्डी बनता है, उसका रिजल्ट क्या है, शक्ति मिलता है। ये आहार का स्पेशल प्रभाव है शरीर के भीतर। तो वैसे ही जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं उसका रिजल्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन, आनंद प्राप्त होता है। और ये संतोष सबसे बड़ा धन है, और संतोष नाम का धन जिसके पास है बाकी धन की आवश्यकता ही नहीं, बाकी धन है कि संतोष का धन नहीं, तो क्या है, वो जीते जी निधन है। इसलिए संतोष रूपी धन को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना है। और संतोष रूपी धन किसके पास है, कृष्ण के पास। इसलिए भगवान के पहले लोग संतोष थे, संतुष्ट थे, उसका मूल कारण कुछ नहीं है, उसका मूल कारण कथा सुनते थे। महाराष्ट्र में पांडुरंग पांडुरंग, ठीक है, उड़ीसा में डिफरेंट वे में, डिफरेंट कल्चरल वे में कथा सुनते थे बचपन से, इसलिए लोग सेटिस्फाइड थे। और जब संतोष रहते हैं प्रॉब्लम्स कम होते हैं, जब संतोष नहीं रहते हैं अशांति बढ़ता है, एजिटेशन होता है, एंकरिंग से इच्छाएं निर्माण होता है। तो आप सोचिए संतोष कितना बड़ा सोल्यूशन है, इसलिए सेटिस्फेक्शन बड़ा सोल्यूशन है। और कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं ये सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, और उससे जनरली क्या है, अनेक प्रॉब्लम से हम बचते हैं और भक्ति भी कर पाते हैं। तो सेटिस्फेक्शन रहेगी तो ही भक्ति कंटिन्यू कर पाए, नहीं तो भक्ति के लिए टाइम नहीं, लेकिन कि ट्रेन पकड़ना है, ऑफिस जाना है, 11-12 घंटा काम करना है, तो भक्ति के लिए टाइम के लिए। और ये सब का पीछे कारण क्या है, सेटिस्फेक्शन, धन। पहले अभी धनवान व्यक्ति भी काम करते, मतलब मुकेश अंबानी की वाइफ मान लो कुछ कर रही, क्या जरूरत काम करने की। मुकेश अंबानी का वाइफ मान लो बोलेगी मेरे पास टाइम नहीं है चांदी, क्यों मुझे ऑफिस जाना है, इतना काम करना है। आवश्यकता क्या है कि भी सेटिस्फेक्शन नहीं, और क्योंकि हायर गोल भी नहीं, इसलिए जनरली ये सब प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए जितना धन चाहिए आवश्यकता है आज के सिनेरियो में उतना को प्राप्त करने की प्रयास किया, लेकिन हम भक्ति को छोड़कर मान लो धन के पीछे ही लगे तो एग्जैक्टली क्या है, पशुघ्ना, बिना पशुघ्ना एग्जैक्टली हम अपना आत्मा को ही बद्ध कर रहे हैं। इट्स लाइक इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। लास्ट पॉइंट, एट इज प्यूरिफिकेशन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं त्रीन पुनाति वक्तरं पृषकं। वैसे शुद्ध कॉन्शियसनेस आजकल क्या है, अभाव है। तो पानी को फिल्टर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फिल्टर बनाया गया, वैसे ही एनिमल चेतना को शुद्ध करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर और कुछ नहीं, ये क्या है, एक फिल्टर है चेतना को शुद्ध करने के लिए। तुम्हारे भीतर पशु चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस, और ये मनुष्य शरीर क्या है, एक फिल्टर जैसे। और ये फिल्टर में कैंडल डालना पड़े, ओके, कैंडल डालेंगे तो ही पानी प्यूरिफाई हो। और उस कैंडल क्या है, कृष्ण कथा, भगवान की कथा का नित्य निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। बार बार कैंडल डालना पड़ता है, 3 महीना काम होता है, बाद में क्या है, फिर से कैंडल खरीदना। तो वैसे ही बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, तब जाके हृदय में जो कलमस है वो प्यूरिफाई होगा। और प्यूरिफिकेशन जब होते हैं
हम भगवान के पास जाने के लिए योग्य बनते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, और तपस्या से व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन होता है। और सबसे बड़ा तपस्या क्या है, तपो दिव्यम पुत्र के ये न सुतो। सबसे बड़ा तपस्या है भगवान कृष्ण की कथा सुनना और भगवान का नाम का स्मरण करना। तो ये जब हम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय जब शुद्ध होता है भगवान की सेवा करने की हम योग्य बनते हैं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे जाके कृष्ण कथा बता रहे हैं यार, बाकी कौन सा कथा शुरू कर रहे हैं हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम एक्जैक्टली कृष्ण जन्म का कथा हम शुरू करेंगे। तो ये चार क्लासेस में हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे, 69 वर्सेस है फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर, एटलीस्ट कृष्ण का जन्म हम करेंगे। चलेगा इस प्रकार या और थोड़ा स्पीड जाना है, थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।